मुंबई के अंधेरी स्थित कंट्री क्लब में विश्व मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को प्रोग्रेसिव फाउंडेशन फॉर ह्यूमन राइट के अध्यक्ष फिल्म अभिनेता राकेश पांडे की अध्यक्षता में मानवाधिकार व सामाजिक न्याय पर एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया। इसमें मंच पर विराजमान डॉक्टर योगेश दुबे, MN अंसारी, रमेश मिश्र, गौतम जी आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। मैं भी 10 साल से इसको देखे आ रहा हूँ और आज जो मैंने देखा कि 10 साल में कितनी तब्दीलियाँ हुई है, क्योंकि जिस बात हमारे बड़े बड़े कार्यकर्ता राकेश पांडे जी कंटिन्यू लगे हुए हैं, यानी मैं सोच रहा हूँ कि इतने व्यस्त अपना जीवन होते लाइफ में होते हुए भी इन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है, छोटे छोटे कार्य नहीं है। सब लोग अपनी तरफ से योगदान कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले कल में आज हम चंद लोग मिले और हजारों में होंगे, लाखों में होंगे, पूरे विश्व में राकेश पांडे का जो मिशन है वो कामयाब रहा। उन्होंने मानवाधिकार दिवस के अवसर पर हम लोग साथ में मिलकर देश के निर्माण में काम करेंगे। इस अवसर पर सीनियर एडवोकेट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, ह्यूमन राइट के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने भी अलग अलग एक्ट्स के बारे में किस प्रकार से हम लोग देश में काम कर सकते हैं, विक्टिम्स तक पहुँच सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत हुई है। और साथ ही साथ जिन लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम किया है इस क्षेत्र में, शहीद मंगल पांडे जी के नाम पर सम्मानित कर रहे हैं। इसमें लोगों को मानवाधिकार तथा सामाजिक न्याय के नियमों के प्रति जागरूक किया गया। राकेश पांडे ने मानवाधिकार विषय पर चर्चा के दौरान अपने उद्देश्य में कहा कि मानवाधिकार का विषय उतना ही पुराना है जितना कि मानव जीवन का इतिहास। प्रकृति ने सभी प्राणियों को प्रारंभ से ही एक समान स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार दिया है। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता जा रहा है वैसे वैसे मानव जीवन के सामने नित इन जटिलताएं आती जा रही हैं। विकास की अंधी दौड़ में शामिल होने के लिए लोग प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, अन्याय और अत्याचार करने से भी बाज नहीं आ रहे। आज विश्व समुदाय आतंकवाद, महामारी, साम्राज्यवादी सोच के कारण खतरे में है। इन्हीं कारणों से नागरिकों के मानवाधिकार भी खतरे में है। मानवता पर हो रहे विभिन्न आक्रमणों से बचने और मानवाधिकार को सुरक्षित करने के लिए आज संपूर्ण विश्व समुदाय को एक होकर शांति एवं सहस्य की भावना स्थापित करने के साथ प्रकृति को भी सुरक्षित करने की आवश्यकता है।